बहुत ही अफसोस की गल है कि संगरूर दे विच जहरीली शराब पीन करके बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग इलाजधीन हैं। मुख्यमंत्री साहब कृपा करके दसंगे कि साल 2020 दे विच अमृतसर, तरन तारण अते बटाला जिले विच जहरीली शराब पीन करके जो मौतां होईयां सन अते जिन्हां दीआं अखां दीआं रोशनियां चलियां गईयां सन, की उस संबंध विच सरकार वालों कोई कार्रवाई कीती गई है? जेकर हां तां उस दे वेरवे दिते जान। की इस जहरीली शराब प्रकरण दे विच किसे राजनीतिक घराने दा हथ है? जेकर है तां वेरवा दिता जावे। जेकर राजनीतिक घराने का हथ है तो इस सवाल का जवाब पुलिस विभाग, गृह विभाग वालों आया क्यों नहीं? जेकर मेरे 113 नंबर सवाल का जवाब आ गया हुंदा तो इस दे उत्ते कार्रवाई हो गई हुंदी तो आज संगरूर जिले दे भी ये सब कुछ नहीं होना था। इन्ना बड़ा एक अमला है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है, कि मुख्यमंत्री साहब गृह विभाग पुलिस विभाग दे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिता, इस मसले नु लुको के रखा। इस सवाल दे उते कार्रवाई हुई हुंदी, तुसी कहोगे कि तुसी क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि मैनू दर्द हुंदा है जदों भी पंजाब दे विच कोई भी चीज इस तरह की हुंदी है। कि ये सिर्फ 2020 दे विच ही नहीं, अमृतसर दे विच भी ते तरन तारण दे विच भी ये माफिया स्कैंडल आज भी बदस्तूर जारी है, आज भी बदस्तूर जारी है और जारी है पुलिस दे वड्डे अफसरां दे संरक्षण दे विच। मेरा यही मकसद सीगा कि 2020 दे विच जो प्रकरण होया सी, जो स्कैंडल जहरीली शराब दा होया सी, उस दे विच बहुत वड्डे एक सियासी घराने दा हाथ सीगा। दोस्तों, बहुत ही अफसोस दी गल है कि संगरूर दे विच जहरीली शराब पीन करके बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग इलाजधीन हैं। जेकर आज की खबर देखिए, रोजाना स्पोक्समैन ये है संगरूर जिले विच नकली शराब नाल मरल वालियां दी गिनती 22 तक पहुंची, 23 व्यक्ति हले इलाजधीन। बड़ी खबर है। 3-4 दिन तो मैनू संगरूर दे लोगों का फोन भी आ रहा है, ये बार बार मैनू बोलते सी कि तुसी कुछ कर नहीं रहे हो। देखो, इत्थे सब तो बड़ी ये गल है कि पंजाब जो है दूध, दही ते लस्सी वास्ते जानिया जाता है और इत्थे जेकर जहरीली शराब वर्गी चीज़ बार 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 कोई ना कोई प्रकरण हुंदा है तो साढ़े वास्ते बहुत ही शर्म की गल हुंदी है। असी 2020 की जेकर गल करिए, जुलाई अगस्त की सैकड़े लोगों की मौत हुई सी तरन तारण, अमृतसर ते बटाला दे विच। उदों बहुत हंगामा होया सी, बहुत सारियां पार्टियां ने इस दे उते राजनीति भी कीती। जदों कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों नूं आस सीगी कि कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाते खाना पूर्ति हुई और वो जो प्रकरण है, ये सारा जो स्कैंडल है वो एज इट इज चलता आ रहा है। जदों अमृतसर की जनता ने मैनू विधायक बनाया, मैं कोशिश की कि इस प्रकरण नू एक तरीके दे नाल सामने लिया के और ये उत्ते प्रोपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार बदल गई सी, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई सी। जदों 2 साल पहला विधानसभा का सैशन शुरू होया तां मैं एक सवाल उहदे विच रख दिती और मैं नोटिस दिती और नोटिस एक्सेप्ट भी होया, मंजूर होया और उसका शीर्षक सी साल 2020 दौरान अमृतसर, तरन तारण अते बटाला विच जहरीली शराब पीण नाल होईयां मौतां दे वेरवे। 113 नंबर सवाल है, किताब मेरे कोल भी आई है विधानसभा वालों। 2 साल बीत गए, इस दा जवाब मैनू नहीं मिलिया, जबकि बजट सैशन 2022 दे विच इसका जवाब मैनू मिलना सी और इस दे उते कार्रवाई कराउण वास्ते ही मैं ये सवाल रखी सी अपनी विधानसभा दे विच। मेरे कोल जदों एक चिट्ठी आई कि तुहाडा ये जिहड़ा सवाल है, ये सवाल जो स्टार्ट क्वेश्चन सीगा उस तो अनस्टार्ट दे विच बदल दिता गया है, तो इहदा जवाब तुहाडे कोल आ जाएगा। ठीक है, सवाल दा मैं थोड़ा सा एक अंश पढ़ के सुना देना चाहता हाँ कि मुख्यमंत्री साहब कृपा करके दसंगे कि साल 2020 दे विच अमृतसर, तरन तारण अते बटाला
जिले विच जहरीली शराब पीन करके जो मौतां होईयां सन अते जिन्हां दीआं अखां दीआं रोशनियां चलियां गईयां सन, की उस संबंध विच सरकार वल्लों कोई कारवाई कीती गई है? जेकर हाँ तां उस दे वेरवे दित्ते जाण। की इस जहरीली शराब प्रकरण दे विच किसे राजनीतिक घराने दा हथ है? जेकर है तां वेरवा दित्ता जावे। सवाल स्पष्ट है। देखो, इत्थे बाहर दा व्यक्ति कोई आके नहीं कर रहा है। जेकर राजनीतिक घराने दा हथ है तो इस सवाल दा जवाब पुलिस विभाग, गृह विभाग वालों आया क्यों नहीं? ठीक है, तुसी विधानसभा दे विच किसे कारण बस इहदा उत्तर नहीं दिता, तो इसका जवाब आना चाहिए सी, इहदे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए सी। बहुत ही यह संगीन विषय सीगा। और ये सारा चीज तुसी देखोगे कि यह सिर्फ 2020 दे विच ही नहीं, अमृतसर दे विच भी ते तरन तारण दे विच भी यह माफिया स्कैंडल आज भी बदस्तूर जारी है, आज भी बदस्तूर जारी है और जारी है पुलिस दे वड्डे अफसरां दे संरक्षण दे विच। बरदहस्त प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है पुलिस दे वड्डे अफसरां दा, खास करके अमृतसर रूरल दे विच अते तरन तारण दे विच। जेकर इस सवाल दे उत्ते कारवाई होई हुंदी, तुसी कहोगे कि तुसी क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि मैनू दर्द हुंदा है जदों भी पंजाब दे विच कोई भी चीज़ इस तरह की हुंदी है ते असी कंट्रोल करन दी समर्थता रखते हाँ, तां जदों भी मैं वेखदा हाँ कि लोग परेशान हो रहे ने। और खास करके तुसी देखो 22 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे व्यक्ति इलाज अधीन हैं, तो यह पंजाब दे विच इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए है। तो इस करके मेरा यही मकसद सीगा कि 2020 दे विच जो प्रकरण होया सी, जो यह स्कैंडल जहरीली शराब का होया सी, उस दे विच बहुत बड़े एक सियासी घराने का हाथ सीगा, सियासी घराने का हाथ सीगा। और उदों कांग्रेस की सरकार सीगी, सरकार कांग्रेस की सीगी, किंतु परंतु काफ़ी होया जी। और इत्थे तक गल चली कि मान साहब उदों साडे MP हुंदे सन और उन्होंने ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उन्हां दे उत्ते कतल का केस दर्ज होना चाहिए है। मेरे को अखबार भी है और ये उदों का अखबार है। तो मेरा यह कहना है कि ऐसी राजनीति दे विच नहीं जाइए, किसने की कहा, किस तरीके दे नाल कहा। जेकर मेरे 113 नंबर सवाल का जवाब आ गया हुंदा तो इस दे उत्ते कार्रवाई हो गई हुंदी, तो आज संगरूर जिले दे विच ये सब कुछ नहीं होना सी, संगरूर जिले दे विच ये सारा कुछ नहीं होना सी। जेकर एक व्यक्ति नु भी कुछ हुंदा है तो मैं बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा है, क्योंकि इस दे वास्ते असी जिम्मेवार हाँ। तो मैं यही कहांगा कि देखो, जेकर असी इन्ना वड़ा एक अमला है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है, कि मुख्यमंत्री साहब गृह विभाग पुलिस विभाग के उन्हां अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनगे जिन्हां ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिता, इस मसले नु लुको के रखिया, लुको के रखिया, क्योंकि ये जड़ा महकमा है पुलिस महकमा और गृह महकमा, ये सारा चीज़ मुख्यमंत्री साहब के अधीन है। उदों देखो असी जेकर ओपोजिशन दे विच हुंदे हाँ, कई तरह के आरोप लगाते हाँ, मैं फिर भी कहना कि मैं किसी ते कोई भी आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैनू दर्द यह है कि मेरे 113 नंबर सवाल का जवाब आया हुंदा, इस दे उत्ते कार्रवाई हुई हुंदी, तो आज संगरूर दे विच ये माड़ी घटना नहीं वापरनी सी। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दुख है। मैं फिर भी आस करता हाँ कि जो अमृतसर तरन तारण अते बटाले दे विच जो कुछ भी 2020 दे विच होया, उसका भी डूंगाई दे नाल जाके उसकी जांच की जाए, क्योंकि उदों जिहड़ी जांच होई सीगी सिर्फ खाना पूर्ति होई सीगी, ते जो संगरूर दे विच होया है उसका लिंक इस दे नाल 2020 दे घटनाक्रम दे नाल जेकर है तो उसनों भी सामने लियाउणा चाहिए है। और किसी दे उत्ते भी देखो नजायज कुछ नहीं करना चाहिए है, लेकिन जिसका दोष है उस दे उत्ते पर्दा नहीं पाउणा चाहिए है। मैं यही कहांगा कि दूध दा दूध पानी दा पानी करो, इंसाफ दो, इंसाफ वैसे दे नहीं सकते लेकिन जना क्योंकि जना 22 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है उन्होंने असी वापिस लिया नहीं सकते, लेकिन इस तो बाद भी जो इस तरीके का जेकर सिलसिला चलता रहा तो दूध दही लस्सी वास्ते प्रसिद्ध जो साडा पंजाब है कि यह जहरीली शराब का अड्डा बनन जा रहा है, यह सब बंद होना चाहिए है और पंजाब दोबारा रंगला पंजाब बनना चाहिए है। मैं यही मांग करता हाँ कि 2020 तो लेकर हुण तक
जो कुछ भी होया है जहरीली शराब प्रकरण दे विच, क्योंकि उस तो पहला भी होशियारपुर दे विच होया सी, मेरे को सारा डेटा मौजूद है। तो मैं यही कहांगा कि इस दे उते मुकम्मल कार्रवाई होवे और दूध दा दूध पानी दा पानी किया जावे, चाहे पुलिस दे अफसर, चाहे एक्साइज महकमे दे अफसर, चाहे सियासी लोग, जो लोग इस दे विच शामिल हन उन्हां दे खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ता जो साढ़े इस पंजाब की धरती से कोई इस तरह की माड़ी नज़र उठा के ना देख सके। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतह।